हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रियंका। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू करूंगी फर्स्ट क्राई क्लोथिंग हॉल, जो बेसिकली विंटर वियर कलेक्शन है। फर्स्ट क्राई पे इस टाइम पे काफी सारे ऑफर्स लगे हुए हैं, अप टू 50% ऑफ, अप टू 40% ऑफ, सम टाइम अप टू 60% ऑफ के साथ में भी फर्स्ट क्राई पे क्लॉथ्स अवेलेबल है। और रियली वहाँ की जो विंटर वियर कलेक्शन है वो ऑसम है, बहुत ज्यादा अच्छे प्रिंट के साथ, अच्छे पैटर्न के साथ बहुत सुंदर सुंदर क्लोथ्स वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कोई यूनिक प्रोडक्ट चाहते हैं अपनी विंटर कलेक्शन में ऐड करने के लिए, तो आपको फर्स्ट क्राई जरूर ट्राई करना चाहिए। वहाँ की प्रोडक्ट रेंज भी और क्वालिटी रेंज भी और प्राइस रेंज भी सब कुछ वैल्यूएबल है, काफ़ी अच्छा है। तो आप अपने बेबी के लिए कुछ अच्छे से ट्राई कर रहे हैं तो फर्स्ट क्राई जरूर ट्राई करें। जो आज मैंने वीडियो में रिव्यू करने के लिए लिया, उसमें कुछ हुडीज है, कुछ स्वेटर्स है। ये जो विंटर वियर कलेक्शन है ये मोस्टली जो है वो बेबी हग ब्रांड का है, क्योंकि बेबी हग ब्रांड मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। उसके उसके प्रोडक्ट पे मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के साथ में उसके प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तो बेबी हग ब्रांड अच्छा है, आप मतलब उसको ट्राई कर सकते हैं। जो मेरे पास जो आज है वो है ये हुडीज, जो कि बेबी हग ब्रांड की है और ये कुछ इस तरह के प्रिंट की है। इसमें काफी सारे स्टार्स बने हुए हैं, मून बना हुआ है, तो अच्छा प्रिंट है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है पहनने के बाद में। मेरा जो बेबी है वो बेबी बॉय है, 3 ईयर ओल्ड है, तो मैंने उसी के हिसाब से ही इसको ऑर्डर किया है। मतलब 3 to 4 ईयर मैंने ऑर्डर किया है और इसकी जो हाइट है वो 42 सेंटीमीटर समथिंग इसकी हाइट है। अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब मेरे बेबी को बिल्कुल फिट आया है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद में भी। सबसे अच्छा ये कि इसमें सामने जो है ना वो जिप है, आप इसको इजिली अपने बेबी को पहना सकते हैं, क्योंकि जो इस तरह से पहनाने वाले जो क्लॉथिंग होते हैं जिनमें साथ में जिप नहीं होती है सामने से, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अगर जिनमें सामने से इस तरह से जिप हो तो वो पहनाने में भी कंफर्टेबल होते हैं और लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हुडी है, इसका अंदर का यहाँ पे हुडीज का साथ में ये वाला कलर है, लेकिन बाकी नीचे से पूरा यही वाला कलर है। अच्छा है, इतना ज्यादा वॉर्म नहीं है, नॉर्मल है। जो अंदर का जो फैब्रिक है वो भी बहुत ज्यादा वॉर्म नहीं है, नॉर्मल है। अगर आप नॉर्मल विंटर्स में इसको पहनते हैं तो ओके ओके है, लेकिन बहुत ज्यादा विंटर के हिसाब से नहीं है। सामने से दो पॉकेट है, इस साइड भी है और इस साइड भी, दोनों साइड पॉकेट है। और स्लीव्स भी अच्छी हैं, मतलब इसकी लेंथ के हिसाब से। कई बार क्या होता है कि स्लीव्स छोटी पड़ जाती हैं बेबी को, तो उस हिसाब से नहीं है, स्लीव्स भी बिल्कुल फिट है। इसका जो एमआरपी है वो 799 है, बट ये मेरे को डिस्काउंट पे 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल हुआ था, तो आप भी चेक कर सकते हैं इस टाइम पे अभी इसके ऊपर कितना ऑफ लगा हुआ है, उस हिसाब से आप अपने लिए ले सकते हैं। ये मैंने 3 to 4 ईयर मंगवाया और काफी अच्छा प्रोडक्ट है, बेबी हग ब्रांड का ये। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो भी बेबी हग ब्रांड का है, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद में, ये भी काफी अच्छा है। इसका भी सामने से जिप है और ये जो यहाँ पे जो आर बना हुआ है ना, ये थोड़ा सा मतलब उभरा हुआ आर है, मतलब इसके ऊपर से जैसे एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ बना होता है ना, तो उस तरह से बना हुआ है, ये अच्छा लगता है काफी। साइड में यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चर है, अच्छा लगता है पहनने के बाद में, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी बिल्कुल फिट है, ये 3 to 4 ईयर के हिसाब से ही मैंने ऑर्डर किया है। और इसका जो एमआरपी है वो अगेन 799 है, अच्छा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन ये भी इतना ज्यादा वार्म नहीं है, नॉर्मल विंटर्स के लिए ओके ओके है। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो स्वेटर है, बेबी हग ब्रांड का ही है, ये कुछ इस तरह का है। ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इतना सॉफ्ट है और वार्म भी है, मतलब अगर आप विंटर्स में, अच्छी खासे विंटर्स में इसको डालते हैं तो बहुत अच्छे से आपके बेबी को वार्म रखेगा। इसका जो प्रिंट है ना वो तो बहुत ज्यादा सुंदर है,
पहनने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। और ये भी साथ में जिप के साथ में आता है, स्लीव्स भी ओके है, काफी अच्छे वाला ये स्वेटर है। आप जितना मर्जी जैकेट्स या फिर कोट कुछ और भी ट्राई करें, लेकिन जो स्वेटर का लुक है वो अलग ही आता है। स्वेटर पहनने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप कोई स्वेटर ट्राई करना चाहते हैं तो इस तरह का कोई स्वेटर ट्राई कर सकते हैं, साथ में जिप भी हो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है बेबी को पहनाने के लिए। और ये काफ़ी वॉर्म भी है, मैंने कई बार इसको अपने बेबी को डाला है, एज इट इज़ है। इसकी वॉश करने के बाद भी कोई कलर नहीं गया है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आई है, जिस तरह की रुआ वगैरह साइड में आ जाता है उस तरह से भी कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। और रियली मतलब बहुत अच्छा लुक आता है इसको पहनने के बाद में। इसका जो MRP है वो 1099 है, लेकिन ये भी मैंने डिस्काउंट पे ही लिया था, और ये भी 3 to 4 ईयर मैंने ऑर्डर किया है और मेरे बेबी को बिल्कुल फिट आया है। नेक्स्ट मेरे पास है ये हुडी, ये वॉर्म है, काफी वॉर्म है। ये जो हुडी है ये डोरीमो ब्रांड की है, फर्स्ट क्राई पे सही, डोरीमो एक ब्रांड है उसकी है। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की ब्रांड की कोई परचेज किया है, और सच में बहुत अच्छा है। अंदर से बिल्कुल ब्लैंकेट के जैसे वॉर्म है। आप मतलब काफी ज्यादा कोल्ड हो जिस टाइम पे, काफी ज्यादा अच्छे वाली विंटर्स पड़ी उस टाइम पे भी अगर डालते हैं तो ये आराम से वर्क करेगा, बेबी को अच्छे से वार्म रखेगा। स्लीव्स वगैरह भी सब कुछ बिल्कुल फिट है। ये भी मैंने 3 to 4 ईयर के हिसाब से ऑर्डर किया था, और इसकी जो MRP है वो 610 है, लेकिन ये भी मेरे को डिस्काउंट पे ही मिला था। तो अच्छा वॉर्म वाला हुडी है, और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करें। मतलब अगर आप बेबी हग के अलावा दूसरे किसी ब्रांड पे भी ट्रस्ट करना चाहते हैं तो डोरीमो पे कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इसके साथ में एक्सपीरियंस लिया और मेरा एक्सपीरियंस रियली बहुत अच्छा रहा है। इसको मैंने कई बार वॉश भी किया है, ये बिल्कुल एज इट इज़ है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद में, काफ़ी अच्छा है। और जो नेक्स्ट एक और मैंने ट्राई किया था जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ये जो मैंने स्वेटर ट्राई किया था ये भी बेबी हग का ही था, लेकिन पता नहीं इसके साथ में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। क्योंकि जब मैंने इसको 3 to 4 ईयर के हिसाब से इसको ऑर्डर किया था तो ये मतलब बहुत छोटी हाइट में मेरे को अवेलेबल हुआ था, बिल्कुल देखने से इतना सा लग रहा था, 3 to 4 ईयर का था, उसके बाद भी बहुत छोटा था। तो मैंने इसको रिटर्न किया था। और एक और इसका नेगेटिव ये पॉइंट था कि जब आप इसको स्क्रीन पे देखते हैं जब फर्स्ट क्राई पे, तो इसमें क्या होता है, इसके शोल्डर पे ना बटन शो होता है, मतलब आप इसको शोल्डर पे से ऑफ करके पहना सकते हैं, लेकिन जब ये मेरे को रिसीव हुआ था तब इसमें कोई बटन नहीं था। मतलब आप इसको सीधा ऐसे डालना होता है, मतलब आप इसको ओपन नहीं कर सकते शोल्डर पे से, तो वो भी इसका बहुत नेगेटिव पॉइंट था। तो मैंने इसको जस्ट रिटर्न किया था। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्राई की क्लोथिंग विंटर वेयर कलेक्शन की वीडियो। होप सो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।